अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं वेजिटेबल उपीट बनाने जा रही हूँ। मेरा नाम अंजुम है, मैं आपको वेजिटेबल उपीट कैसे बनाते हैं वो सिखाती हूँ। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 मीडियम साइज़ के टोमेटो, 5 तीखी वाली हरी मिर्च, थोड़ा सा हरिया धनिया, थोड़ा सा करी लीफ और सोजी, 2 कप सोजी चाहिए। कि मेजरिंग कप दिखाती हूँ आपको, इस कप से मेजर की हूँ। 2 कप सोजी डालिएगा और थोड़ा सा वेजिटेबल जो कि मैंने कट किया है, कैरेट, बीन्स और मटर। अब मैं सोजी कढ़ाई पर डाल रही हूँ और इसके साथ साथ थोड़ा ज़ीरा भी डाल रही हूँ, क्योंकि उपमा में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा ज़ीरा डालने से। अच्छे से भूनिएगा, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं भूनने के टाइम। देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है, गैस ऑफ कर लीजिए। कढ़ाई रखिए, थोड़ा सा गर्म होने के बाद 4 बड़े टेबलस्पून ऑयल डालिए, ऐड कर सकते हैं या वरना ग्राउंडनट भी ऐड कर सकते हैं। इसका कलर चेंज होने लगा है, इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। इतना ही कलर काफी है, ज्यादा डार्क ब्राउन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक स्पून जीरा डालिए, 1 स्पून राई डालिए, इसके चटकने के बाद और बारीक कटा हुआ प्याज, अच्छे से मिक्स कीजिए। इसी स्टेज पर नमक डालिए, मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप आपके हिसाब से डालिएगा। नेक्स्ट हरी मिर्च डालेगा, आप चाहे तो हरी मिर्च छोटा काट सकते हैं या लंबा। हरी मिर्च थोड़ी पकने के बाद टमाटर डालेगा, टमाटर डालेगा। यहाँ टोमेटो सब वेजिटेबल पक चुका है, यहाँ पे कैरेट, बीन्स और मटर डाल रही हूँ।
इसको भी अच्छे से पका लूँगी, ढक कर पका लूँगी 5 मिनट। देखिए थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, देखिएगा अच्छे से पूरा वेजिटेबल पक चुके हैं। अब बारी है पानी डालने की। दो कप सूजी के लिए 4 ग्लास पानी डाली हूँ मैं इस मेजरमेंट से। अच्छे से मिक्स करिए और थोड़ा नमक का टेस्ट देखिए, कम रहे तो और थोड़ा डालिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा कम लग रहा है। पानी डालने के बाद नमक का टेस्ट बहुत कम हो जाता है। आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डालेगा और मैं 3 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ। इसको ढक देंगे, अब उबाल आने तक पकाएंगे। देखिए अच्छे से उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं पूरे वेजिटेबल अच्छे से गले हुए हैं। और धीरे धीरे करके सूजी ऐड करेंगे हम। अच्छे स्टिर करते हुए सूजी ऐड कीजिए। इसी समय पर थोड़ा सा हरिया धनिया जो भुने हुए काजू डालिए। अच्छे से स्टिर कीजिए। आप देख रहे हैं ना कलरफुल उपिट, इसे उपिट भी बोलते हैं और उपमा भी बोलते हैं। आप चाहे तो वेजिटेबल ज़्यादा भी डाल सकते हैं या टोमेटो स्किप करके नींबू भी डाल सकते हैं, लेमन। इस समय पर आप 2 टेबलस्पून घी डालिएगा। अगर आप घी नहीं खाते तो मत डालिएगा।
अच्छे से मिक्स करिएगा। और इसे ढककर 5 to 5 minutes पकाएगा। देखिए यहाँ उपमा कंप्लीट पक चुका है। अब सर्विंग करने की बारी है। देखिए कंप्लीटली पक चुका है। अब सर्विंग प्लेटिंग करने की बारी है। देखिए अब मैं उपीट प्लेटिंग कर चुकी हूँ और टेस्ट देखने की बारी है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, सुपर है। ये मेरा पहला वीडियो है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ऐसे रेसिपीज़ के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।